अमेरिका ने पाकिस्तान की नई सरकार से आतंकवाद के खात्मे को लेकर नई चेतावनी दी है। अमेरिका के सचिव ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन फल फूल रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान को इस पर जल्द से जल्द रोक लगानी होगी। अमेरिकी सचिव एलिस जी वेल्स ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए स्वर्ग बनता जा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान को इन आतंकी संगठनों पर लगाम लगानी चाहिए। अमेरिका ने साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान को ऐसे वक्त में आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने की कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इन आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने का यही सही वक्त है। You are asking Pakistan to take actions against Haqqani Network and Taliban leaders. So, do you see any progress in your demands, whatever you are asking Pakistan for the long time? I mean, is there kind of any hopes, and especially when there is a new government in Pakistan? Thank you. Well, we look forward to working with the new government of Pakistan, and Secretary Pompeo, you know, has issued a statement to that effect. There, as I said earlier, Pakistan has an important role to play in furthering stability in Afghanistan. We have expressed our concern over the fact that terrorist proxy groups continue to be able to enjoy safe haven in Pakistan. We are urging the government to do more to bring pressure to bear against these organizations, externally oriented terrorist groups. Pakistan mein nayi sarkar bani hai aur sabko umeed hai ki naye pradhanmantri इमरान खान पाकिस्तान के ऊपर लगे आतंकवादी टैग को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या जो इमरान प्रधानमंत्री बनने से पहले तालिबान खान के नाम से फेमस हो चुके हों और जिन इमरान को चुनाव में आतंकवादी गुटों ने खुला समर्थन दिया हो, क्या वो इमरान सच में आतंकवाद के ऊपर कोई लगाम लगा सकेंगे? अगर वाकई वो ऐसा करना चाहेंगे तो सबसे पहले उन्हें पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हाफिज सईद, मक्की, लखवी और मसूद के साथ दाऊद जैसे आतंकियों पर लगाम लगानी होगी, लेकिन ऐसा वो कर पाएंगे इसमें संदेह है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।